सतना को राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय में आए सैकड़ों दिव्यांगों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मामा जी के नाम कलेक्टर हर्ष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर सीएम हाउस को घेरने की चेतावनी भी दी है। देखिए राजगढ़ से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रामबाबू गौड की रिपोर्ट। आज हमने 16 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा निकालकर, स्वाभिमान पद यात्रा का उद्देश्य है कि दिव्यांगों के साथ में हो रहा अन्याय अत्याचार को दूर किया जाए, उनकी मांगों का निराकरण करें। कौन सी प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगे सबसे पहले कि 20 सालों में सरकार ने ना तो पेंशन बढ़ाई, ना आवास दिया, ना भूमिहीन दिव्यांगों को पट्टा दिया जा रहा। और क्या बोला कलेक्टर साहब ने? क्या बोला साहब ने? आश्वासन दे दिया कि हम आपकी मांगों को पहुंचा देंगे साथ, और जो भी जिला स्तर की करा दिया है, अगर 2 महीने में हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तो हम सभी मिलकर पैदल यात्रा सीएम हाउस की करेंगे। 2 महीने का हमने समय दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।